आपको इससे पहली वाली वीडियो में सारे डेरिवेशन तीनों इक्वेशन कराए थे, अब उन्हीं फॉर्मूलों पर क्या है न्यूमेरिकल देखते कैसे होते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हो रही है एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन और यूनिफॉर्म एक्सलेशन चल रही है और 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड को अटेन कर लेती है, अचीव कर लेती है, रिसीव कर लेती है। तो एक्सेस फाइंड करना है आपको। सबसे पहले देखना है रेलवे स्टेशन से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि जब रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी तो किसमें थी, रेस्ट में, किसमें थी, रेस्ट में, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही बच्चों, जीरो। अब 40 किलोमीटर पर आवर, वी इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। आपको पता होगा 40 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 का, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। अब 2 से काट दीजिए तो 100/9 मीटर पर सेकंड। क्लियर? टाइम दे रखा है 10 मिनट, मिनट 1 मिनट कितनी सेकंड होती है बच्चों, 1 0 × 1 मिनट कितनी होती है, 60, तो 60 सेकंड, यानी 600 सेकंड। हमारे पास यू है, वी है, टी है, फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, बताया था आपको फॉर्मूला। वी कितना आपका 100/9 माइनस 0 अपॉन टी, कितना बच्चों आपका 600, तो क्या बचा 100/9 × 600, 20 से 20 कैंसिल हो गए, तो 1/69 = 54। अब 54 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? ये इसका ए आ गया और मैंने यहाँ पे एक्सेस फाइंड किया है तो आप इसका यूनिट लगाना ना भूलें। मैंने यहाँ यू लिखा 0, वी लिखा 40 किलोमीटर पर आवर, चेंज किया तो मीटर पर सेकंड लिखा, टाइम था 10 मिनट, चेंज किया तो सेकंड। हर जितनी फिजिकल क्वांटिटी है सब में हम लोग क्या करेंगे, उनकी यूनिट को मेंशन करेंगे। फिर ए निकाला एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स इट। अब देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड, एक बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज होकर 60 किलोमीटर पर आवर रहती है। अब देखिए यह स्पीड कितनी थी पहले 80 किलोमीटर पर आवर, 5 सेकंड में कितनी डिक्रीज हो गई, 60 किलोमीटर पर आ गई, तो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर, चेंज कर दीजिए मीटर पर सेकंड में, तो 80 × 5/18 टू से कर दीजिए 200/9 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब वी कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, इट मीन 60 × 5/18 टू से काट दीजिए 115/9 मीटर पर सेकंड। टाइम कितने रखा है, 5 सेकंड, चेंज नहीं करना, सेकंड दे रखा ऑलरेडी। और टाइम एस ए निकालना है, क्या निकालना है, ए फाइंड करना है, तो ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वी माइनस यू अपॉन टी। अब आपको एक चीज़ देखनी है यहाँ पर, ध्यान से यहाँ पर स्पीड क्या होती है, डिक्रीज, ध्यान देखना, वी कितना है, वी आपका 150/9, यू कितना है 200/9 और टाइम कितना है 5। मैंने एलसीएम लिया 9, तो 150 − 200 एलसीएम लिया 9/5, तो 150 में से 200 माइनस करो कितने बचेंगे, माइनस के 50/9 × 5 5 से कैंसिल हो गया, ये माइनस के 10/5 माइनस के 10/5 मीन्स
9 का डिवाइड कर दीजिए 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप एक चीज यहां से देखिए, यहां जब डिवाइड किया ये साइन किसका है, माइनस का। यहां माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि यहां स्पीड कैसी हो रही है, डिक्रीज। जब मैंने आपको एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने कहा क्या था, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उस पर एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, रिटार्डेशन। तो यहाँ रिटार्डेशन हुआ है, एक्सेलरेशन नहीं हुआ क्योंकि स्पीड डिक्रीज हुई है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, जब एक ट्रॉली नीचे जाती है तो एक्सेलरेशन 2 cm/s² होता है। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट मीन्स ये क्या है, ये एक्सेलरेशन। दे भी रखा है एक्सेलरेशन, नहीं भी दिया हो तो उसकी यूनिट से बचा लीजिए। ए इक्वल टू सेंटीमीटर, 2 cm/s² सर आपने तो मीटर पर सेकंड बताया था, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, तो उसका आंसर जो आएगा वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकंड, टी इक्वल टू 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, इट मीन्स यू इक्वल टू 0, यू इक्वल टू क्या हुआ, 0 आफ्टर द स्टार्ट। व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वी। समझ आ गया, मैंने जैसे जैसे न्यूमेरिकल पढ़ा वैसे वैसे इसको मेंशन कर दिया। अब ए इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी। ए इक्वल टू 2 cm/s², टी इक्वल टू 3 सेकंड, यू इक्वल टू 0 क्योंकि आफ्टर द स्टार्ट, ऑफ वी फाइंड करना है। ए कितना है 2, वी कितना है फाइंड करना है, यू कितना है 0 और टी कितना है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 हो गया, तो वी इक्वल टू 2 × 3 = 6 cm/s, ये किस में आ गया, सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर।